दोस्तों सुप्रभात। आज हम खड़े हैं ग्राम रामपाली में। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है जो दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों छोटा सा ग्राम है रामपाली, चंदन नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाड़ ज़िले में खेती की जाती है, मुख्यतः धान की फसल। तो यहाँ पर भी देखिए जुताई का सीज़न आ गया है। वर्षा ऋतु के पहले जो ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु आने के पहले ज़मीन को तैयार की जाती है, उसको नागर ट्रैक्टर से जुताई की जाती है और जिससे कि खरपतवार ना उगे। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो बरसात का पानी होता है ज़मीन के अंदर अच्छे से भीग जाता है। ये किसान आपको दिख रहा है कि बैल से जुताई कर रहा है, इस प्रकार से ये जुताई की जाती। देखिए बड़ा बड़ा कचरा आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन ढीली पड़ जाती है जिससे कि पौधारोपण में मदद मिलती है। कुछ किसान ट्रैक्टर से भी खेतों की जुताई करते हैं। देखिए आप ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, इससे फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्टर से ज़मीन थोड़ा सा गहराई तक उससे जुताई की जा सकती है। और उसके बाद में ये बखर से ज़मीन को उलट पलट किया जाता है, इससे जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसका जुताई का फ़ायदा ये भी है। एक आप देख रहे हैं किसान बैल से जुताई कर रहे हैं और रुक गए किसान, कुछ कर रहे हैं। देखिए मिट्टी हटा रहे हैं बखर से, मिट्टी जम जाती है बखर में, उसे हटा रहे हैं। इसके बाद ये फिर से खेत में जुताई करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये महिला घास चुनते हुए, घास के गट्टे दुभारी बोलते हैं जो उग जाती है, बड़े बड़े गट्टे बनते हैं जिससे कि ज़मीन कड़ी आ जाती है। दुभारी निकलने से क्या होता है, ज़मीन ढीली पड़ जाती है। इसके बाद में ये पट्टा कहलाता है, पट्टा जिससे कि किसान मिट्टी को समतल करता है। इसके बाद में ये बीज डाला जा रहा है खेत में। बालाड़ ज़िले में कई तरह की वेराइटीज़ पाई जाती है, सुगंधित धान भी शामिल है इसमें, जैसे चिन्नौर वगैरह। साथ में मोटे धान में 1008, 1010 और सोसाइटी में भी इसके बीज मिलते हैं। बीज फेंकने के बाद में जो पौधे तैयार होते हैं उसे खार कहा जाता है। खार उगने के बाद में चाहे किसी भी किस्म की धान हो, इसी प्रकार से खार के लिए बीज फेंका जाता है तथा खार तैयार की जाती है। खार लगभग एक महीने के भीतर में तैयार हो जाती है, उसके बाद ही वो परहा लगाने योग्य होती है। दोस्तों हमारे ज़िले में अधिकतर दोनों सीजन में, रबी और खरीफ की फसल दोनों में ही धान की खेती की जाती है। दोस्तों आप अभी जो देख रहे हैं ये किसान मित्र बंदी में पानी भर के बैलों के माध्यम से उस मिट्टी को लेवल कर रहे हैं, जो भी उसमें कचड़ा वगैरह है उसको सब इकट्ठा करके एक महिला उसको साफ कर रही हैं। और इस तरीके से ये जो धान के बीज इनने तैयार करे हैं घर पे, वो यहाँ लाके उसको डालेंगे। ये तरीका है रबी की फसल, जो धान है रबी के सीजन में जो लगाई जाती है उसके लिए इस प्रकार से तैयार करते हैं ज़मीन और फिर धान का बीज डालते हैं। देखिए राजकुमार जी ने अपने घर में जो तैयार किया हुआ अंकुरित धान का बीज है वो लेके आए हैं। इसको हम गौर से देखेंगे। देखिए इसमें हल्का सा अंकुरण दिख रहा है, ये देखिए पूरे दाने में अंकुरण है। तो राजकुमार जी आपने ये ऐसा क्यों किया इसको? तो इसलिए किया कि अंकुरित लाने से पूरा दाना जो है वो निकल जाता है, चिड़िया पक्षी भी नहीं खा पाती। जी जी। और इसके खार जो है बैठती है, एक साथ दाना पूरा आ जाता है, बाहर निकल के पौधा आ जाता है। किसान ने अपने घर में तैयार किया हुआ धान का जो बीज है अंकुरित बीज, उसको लेके आए हैं और वो अभी इस
एक निश्चित एरिया बनाया है इनने बंदी में, उस एरिया में ये डाल रहे हैं। ये देखिए अभी आपको दिख रहे हैं वो डालते हुए। सीजन में अधिकतर किसान अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं ताकि जो खार तैयार हो रहा होगा वो जल्दी से तैयार हो जाए और संभल जाए। अब इसमें क्या राजकुमार जी, आप पानी चला देंगे क्या फिर से? नहीं दादी, इसमें पानी नहीं चलाएंगे, अभी 2-3 दिन के बाद पानी चलाएंगे। अच्छा, ताकि ये अंकुर जाए जमीन में, मिट्टी में। हाँ, अभी अगर पानी चलाएंगे तो सड़ जाएंगे। देखिए ये धान के जो अंकुरित बीज जिस जगह में डाले गए थे वो 10 दिन बाद इस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है। ये जो पौधा तैयार हो रहा है ये खार कहलाता है और ये लगभग 1 महीने के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको खेतों में अन्य बंदियों में लगाया जा सकता है, जिसे खार लगाना कहते हैं, और ये अभी तैयार हो रहा है।